लाजवाल न्यूज़ के साथ हूँ मैं प्रीति। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जहाँ पे आज DGP दिलबाग सिंह जी ने यहाँ पे दौरा किया और यहाँ पे बताया कि जो ड्रग एडिक्टेड बच्चे हैं उनका यहाँ पे जो है पेरेंट्स भी आए थे और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे जम्मू में इतना टैलेंट, हमारे बच्चे जो टैलेंट है, अगर वो नशे की तरफ जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। स्टॉप करो लाइन। आप भी आओ, विनय पीछे। इसकी मर्ज जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ पर हम लोगों ने छोटा सा उपराला इस सेंटर को खोलने का किया था 2013 में, और मैं उन दिनों IG था जहाँ पर ये शुरू हुआ। मुझे आज ये देख के खुशी हो रही कि ये सेंटर पहले से बहुत एक्सपेंड भी कर चुका है, इसकी डिमांड पहले से बहुत ज़्यादा हुई है, लोग बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं सेंटर के अंदर। और जहाँ तक ड्रग्स की बिक्री का ताल्लुक है, पुलिस ने जो साल के अंदर कार्रवाई करी है वो बहुत बड़े पैमाने पर हमने ड्रग्स सीज़ करी हैं हम लोग। बल्कि इसके सप्लाई के जो चैनल हैं, चाहे वो कश्मीर की तरफ से सप्लाई हो रही है, रजौरी पुंछ की तरफ से सप्लाई हो रही हो, बाकी जगहों से सप्लाई हो रही है, पूरी सप्लाई चेन को ब्लॉक करने के लिए पुलिस इस वक्त काम कर रही है। हमारे पास ऐसे केसेज हैं जहाँ पर सप्लाई कश्मीर के किसी जिले से हुई और वो कहाँ तक आगे जानी थी, जहाँ से हुई और आगे पंजाब दिल्ली तक कहाँ तक जानी थी, पूरी चेन हमारी जो तफ्तीश कमांडर टीम है उसने वो आइडेंटिफाई करी है और बहुत हद तक उसमें कामयाबी मिली है। बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रग्स सीज हुई हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है पड़ोसी मुल्क की। इसमें सारी की सारी इस वक्त जितनी तस्करी हो रही है नशे की, इसमें मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान से आ रही है। पीछे उनको सप्लाई कौन कर रहा है वो उनका हिसाब है। यहाँ पर ऐसे भी केसेज आए हैं जहाँ पर ये जो तस्करी हो करके जहाँ पर ड्रग्स आती हैं उसी ड्रग्स का पैसा फिर मिल्टेंट को आगे पहुँचाया जाता है ताकि जहाँ पर मिल्टेंसी चलाई जा सके। हम बहुत सख्ती से इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। इस पूरे साल के अंदर अभी तक 340 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हुए हैं। पिछले पूरे साल में 350 के करीब लोग जो है इस केसेस में पकड़े गए थे। आज अभी इतने टाइम तक ही 340 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। 8 के करीब दुकानें जहां पर ये जो इस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं, केमिकल ड्रग्स जो मिलती हैं, जो लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए 8 दुकानों के ऊपर कार्रवाई करी गई है, उनसे लाइसेंस कैंसिल करवाए गए हैं। 12 लोग जिनके खिलाफ़ PSA के वारंट जारी किए गए हैं और उनको PSA के अंदर बंद किया गया है। ये कार्रवाई और अभी आगे चलती रहेगी और हम लोग चाहते हैं कि इस कार्रवाई के अंदर मीडिया, समाज, सब लोग, मैंने अभी पेरेंट्स आए हुए थे जो ड्रग्स बच्चे लेते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले, उनसे भी बात करी। हमारी एक सोसाइटी जहाँ पर काम करती है अनोनिमस ड्रग्स वाला, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे मेम्बर ऐसे हैं जो पहले ड्रग्स से गुजर चुके हैं, आज वो अपने आप को सुधार चुके हैं और उनका जो सुधार का रास्ता है, कैसे उन्होंने अचीव किया, वो नए बच्चे जो जहाँ पर इस ड्रग्स की मार में आ चुके हैं उनको बताते हैं, समझाते हैं। हम उनके इस जो एफर्ट है, उनकी जो पहल है, उसके लिए भी उनकी तारीफ करना चाहते हैं। इस सेंटर में कोशिश करेंगे, ये सेंटर अब छोटा पड़ने लगा है और तादाद लोगों की बढ़ने लगी है, हम लोग नई जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बड़ा वहाँ पर बड़ा सेंटर बनाएं। अभी कश्मीर में हम लोगों ने एक कितना बड़ा सेंटर बनाया है डाउनटाउन में, क्योंकि ये मर्ज यही नहीं है, कश्मीर में भी बहुत बड़ी मर्ज है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने टाइप करके कोई उन्हें 8 करोड़ रुपए का वहाँ पर जो सेंटर अभी तैयार किया है, जो अपने आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की तरह है, जहाँ पर भी बड़े सेंटर की ज़रूरत है ताकि आप बच्चों की मदद कर सकें। तो जहाँ भी हम लोगों की प्लान्स हैं, प्लान्स ही नहीं बल्कि हम लोग उस पर आगे बढ़ चुके हैं,
जमीन वगैरह आइडेंटिफाई हो गई है, आने वाले टाइम पे उस जमीन के ऊपर अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि बच्चों की और ज़्यादा मदद इसमें कर सके जो बच्चे। सर ये तो ही पुलिस की कहना है कि ये मर्ज जो है ये एक इंडिविजुअल तरह की नहीं है, इसमें पूरे फैमिली को इन्वॉल्व होकर इसका मुकाबला करना पड़ता है। बच्चों के ऊपर अंडियो प्रेशर न डालें, दूसरा बच्चों को टाइम दें, बच्चों को सुने, बच्चों को समझें। होता ये कि आजकल हमारी लोगों की बच्चों से बातचीत कम हो गई है, मोबाइल छोबाइल ने इतना हम सबको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है बुरी तरह कि आजकल घर में बैठे भी कोने में बैठ के चैटिंग होती है और आपसी बातें चीतें जो कम हो गई हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत है, बच्चों को वॉच करने की ज़रूरत है रेगुलर बेसिस पे, और जब भी कभी इस तरह की चीज़ शुरू में ही नज़र आती है शुरू में ही पकड़ने की ज़रूरत है। जब तक ये मर्ज बन जाए उसके बाद फिर लंबा चौड़ा इलाज की ज़रूरत पड़ती है, फिर 10 तरह के और काम करने पड़ते हैं। उससे पहले अगर इसके ऊपर अमल करें, टाइम से बच्चे को काउंसिल करें वो ज़रूरी है, और बच्चों को टाइम दें, बच्चों को ज़रूर टाइम दें, हर उस बच्चों को टाइम दें थोड़ा बहुत जितना भी दे सकते। ड्रग्स बिल्कुल रास्ता नहीं है किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का। ये एक बहाना है कि मैं अगर किस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मैं ड्रग्स ले लूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर तरह की जहाँ पर मान लीजिए जितनी भी अच्छी संस्थाएं हैं, जितने भी अच्छे हमारे ग्रंथ हैं, वो सब सिखाते हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो आदमी को उसके इलाज के लिए आदमी को अपने इनर मॉरल्स को ऊंचा रखना है, अपना जो दुनियावी काम शाम जितने हम लोग करते हैं उनके ऊपर अपनी पकड़ अच्छे से रखना है। जहाँ ज़िंदगी में अगर हार नहीं तो जीत नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे किसी ना किसी मुकाम पे हर आदमी को कोई ना कोई हार का मुकाबला करना पड़ता है, मगर हार को जीत में कन्वर्ट करने के लिए अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं हमारे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, बल्कि ये हार की वजह बन सकती है अगर हम ड्रग्स की तरफ जाते हैं, इस तरह का काम करते हैं, ये हमें ज़िंदगी में रुकावट बन सकती है। तो ज़िंदगी की रुकावट जो चीज़ बन सकती है उससे दूर रहना है, और ज़िंदगी में मेहनत करेंगे तो कामयाबी हर जगह पे हासिल होगी। बच्चे अच्छे से पढ़ते पढ़ाते हैं यहाँ पर, और हमें थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं आगे पीछे कि वहाँ भी उसके इर्द गिर्द कुछ लोगों की कोशिश रहती है कि बच्चों को इस चीज़ों की जो चीज़ उसमें जो है वो मुलव्वज़ करें, उनको बच्चों को इस तरफ खींचें। पुलिस बिल्कुल सतर्क है और हम लोग किसी तरह की ऐसी हरकतें जो है उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरी तरह से फैमिलीज के साथ हैं, समाज के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं, और मीडिया भी हमें उम्मीद है कि इस अच्छे काम में हमारे साथ है। सर ड्रग्स की जिस तरह से आपने बात की, ड्रग्स को एक तरह से पुलिस ने अपना शिकंजा तो कसा हुआ, लेकिन चोरी की वारदात जो वो बढ़ रही है। देखिए चोरी का कभी कभार ये होता है कि कोई दो चार इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो उसको ट्रेंडिंग नहीं मानना है कि बड़ा चोरी का ट्रेंड हो गया है। जहाँ कभी कभी ऐसी बातें आती हैं, कभी चेन स्नैचिंग की बात हुई तो हमने जबरदस्त तरीके से काम किया, चेन स्नैचिंग वैचिंग बंद होगी। कभी कभार चोरी वोरी का होता है, आजकल क्राइम बड़ी लग नौवियत का हो गया है। कभी कोई का ग्रुप इधर उधर से आया, थोड़े दिन आगे पीछे बैठा और इस काम में लगा, एक वारदात, दो वारदात, तीन वारदात। मगर मुझे भरोसा है कि जम्मू पुलिस बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है। अगर कहीं को क्राइम में ट्रेंड थोड़ा बहुत अप डाउन आता है तो दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर। Let us make Jammu free of drugs. मैं प्रीति सहाय, लाजवाल न्यूज़, नरेंद्र प्रसाद, जम्मू।